बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आलियाज किचन एंड ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। तो मेरे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, हर बंदे की फेवरेट है और हर बंदा इसको बहुत शौक से खाता है, छोटा हो या बड़ा। मैं साबुत मसर और बॉयल चावल, साथ में सैलेड, साथ में चटनी, कबाब, आज वो बना रही हूँ। तो मैंने कहा मैं अपनी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो मसर लेके इनको अच्छी तरह साफ़ किया, फिर मैंने इनको वॉश किया और पानी तकरीबन मैंने हाफ कुकर ले लिया है, तो क्योंकि ये कुकर के बगैर बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो अब इसके अंदर जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी आपको वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच खुश्क धनिया लिया है, ये शामिल कर दूंगी। अब इसके अंदर जो है मैंने एक छोटा सा प्याज और एक टमाटर चॉप करके वो शामिल कर दिया है। तो अब जो है मैं प्रेशर बंद कर दूंगी तकरीबन ये 20 से 25 मिनट तक, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने मिक्स बनाना है, इसका सही गल जाए। तो इसको अब मैं प्रेशर को बंद करने लगी हूँ। साथ में जो है वो मैं आपको चावल भी दिखाती हूँ जो मैं बॉईल करने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, अभी आपको प्रेशर की आवाज़ आ रही होगी। तो मसर जो है वो मेरे पक रहे हैं, साथ में मैंने सैलेड बना लिया है। अभी सैलेड को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए इसके अंदर जो है वो मैं चीज़ें डालूँगी। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है, टमाटर, क्यूकम्बर और बंद गोभी। अब इसके अंदर जो है 1/2 टीस्पून जो है वो मैं सोया सॉस के शामिल कर दूंगी। जी ये देखिए 1/2 टीस्पून सोया सॉस। जी ये 1/2 टीस्पून मैंने जो है विनीगर डाल दिया है। हाफ टी स्पून मैंने चिली सॉस शामिल कर दिया है। आप यकीन करें इससे सैलेड का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। जी थोड़ी सी ब्लैक पेपर शामिल कर दिया मैंने। सॉल्ट जो है बिल्कुल थोड़ा सा, बल्कि ना ही डालें, क्योंकि प्याज़ों के अंदर भी आपने सॉल्ट लगा के धोया है, तो मैं तो वैसे सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाकी जो मैंने सॉसेस डाले उनके अंदर सॉल्ट होता है। जी इसके अंदर थोड़े से जो हैं ऑलिव्स और एलोपिनो मैंने शामिल कर दिया है। तो देखें कितना कलरफुल और कितना मज़े का है। तो जी अब मसर है उनको तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं चलते हुए, तो एक दफ़ा मैं चेक कर लेती हूँ कि वो गले हैं या नहीं। जी यहाँ पे जो है मेरा पानी बॉईल हो रहा है, तो मैंने 2 गिलास चावलों के लिए हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक के शामिल किए हैं। तो अब इसके अंदर मैं चावल शामिल कर दूँगी। जी देखिए माशाल्लाह चावल जो हैं वो मेरे बॉईल हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा और ऑयल शामिल करके इसको दम पे रख देती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाल दिया है और साथ में मैंने जो है वो ज़ीरा भी डाल दिया है। तो आप इसको चाहें तो लहसुन का बघार भी लगा सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको तकरीबन जो है वो मैं 5 मिनट के लिए दम पर रख देती हूँ। जी माशाल्लाह देखिए मसर मेरे जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह गल गए हैं और इसको अब मैंने कुकर से निकाल के हांडी में डाल दिया है और ये देखें कितने अच्छे मिक्स हो गए हैं ठीक से और मज़े के। अब जो है मैं इनको बघार लगाती हूँ। आपने इससे ज़्यादा जो है इनको गाढ़ा नहीं करना, इससे ज़्यादा, क्योंकि जब ये थोड़े से ठंडे होते हैं तो फिर ये बहुत थिक हो जाते हैं। जी यहाँ पे मैं बघार लगा रही हूँ। मैंने लहसुन के 3-4 जुए लिए हैं, छोटा सा प्याज लिया है, ऑयल लिया है और इसको अब मैं बघार लगाऊंगी। और वहाँ पे हल्की आंच पे जो हैं वो साथ साथ मसर भी हैं, वो पक चुके हैं, लेकिन ये है कि बस वो जब तक बघार रेडी नहीं होता तो उसको भी मैंने आंच पे ही रखा हुआ है। जी ये देखिए माशाल्लाह बघार मेरा रेडी हो गया है और अब इसको अंदर में शामिल करके ऊपर से मैं ढक्कन दे दूंगी। तो जी मेरे जो हैं वो दाल चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।
जी माशाल्लाह, देखिए मेरा ये मसाज जो है वो रेडी हो गए हैं और इसके अंदर अब मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। जी व्यूवर्स, ये देखिए यहाँ पे जो है मेरे दाल चावल रेडी हो गए। मैं आज आपके साथ अपना पूरा जो है वो लंच शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बॉयल चावल, ये नींबू का अचार जो मैंने घर में बनाया हुआ है, ये पुदीने की चटनी, ये जो है कचूमर सैलेड ऑलिव्स के साथ, और ये मेरे जो है साबुत मसर। वेरी यमी और वेरी डिलीशियस लुक है और बहुत ही मज़े के हैं। और आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप मुझे फीडबैक देंगे। और जिस ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक दें। थैंक यू।